हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूं MI का नया फ़ोन Xiaomi Redmi Note 3। चलिए इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है MI Redmi Note 3। यहाँ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडिया में बना हुआ है। और यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा है Redmi Note 3 4G 3GB RAM 32GB ROM Gold IN। यहाँ कुछ पैकेजिंग सील है, काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉक्स लगता है। चलिए मैं इसको अब जल्दी से अनबॉक्स कर देता हूँ बिना टाइम बेकार किया। प्लास्टिक रैपर को निकाल देता हूँ। यहाँ पर एक सील भी है, इसको भी मैं ब्रोक कर लेता हूँ, इसकी मेन सील को। चलिए अब मैं इसको आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। देखिए ये है Redmi Note 3, काफ़ी प्रीमियम लगता है फर्स्ट लुक में देखते ही। चलिए इसको एक बार साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में हमें और कुछ क्या क्या मिला है। सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह का ये लिफाफा मिलेगा, इसके अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे और सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगा। खोलता हूँ मैं इस तरीके से। ये इसका क्विक स्टार्ट गया है, Redmi Note 3 ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ वारंटी स्टेटमेंट्स वगैरह है, ये इसके कुछ सार वैल्यू वगैरह इस तरह का है कुछ। ये है यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल। चलिए और देखते हैं। ये एक अडेप्टर है, यहाँ पर सील भी लगाया हुआ है। चार्जर की रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी रेटिंग जो है 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर है, तो ये फास्ट चार्जर नहीं है। ये एक USB 2 माइक्रो USB केबल है, ये सी टाइप नहीं है, इस फोन में सी टाइप पोर्ट नहीं दिया गया है। चलिए अब आपको सबको साइड, वो इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, रख देते हैं। फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको। देखिए फ्रंट में आपको मिलता है इन ईयर स्पीकर, लाइट सेंसर, फ्रंट कैमरा, यहाँ पर नोटिफिकेशन LED लाइट भी है। ये 3 कैपेसिटिव LED बैकलाइट बटन्स है, 5.5 इंच का HD Full HD डिस्प्ले। नीचे की तरफ आपको प्राइमरी माइक्रोफोन है और USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। टॉप में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, सेकेंडरी माइक फॉर नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और ये IR ब्लास्टर है जो एक रिमोट का काम करता है। इस साइड में आपको ये सिम ट्रे मिलती है, जो कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये सिम इजेक्टर टूल लेकर आप इसको इसमें प्रेस कीजिए, इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा, फिर आपको इसको यूँ बाहर निकाल सकते हैं। देखिए एक हाइब्रिड सिम ट्रे, इसमें आप या तो एक माइक्रो सिम और एक नैनो सिम लगा सकते हैं, या एक माइक्रो सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं, मतलब आप इसमें दोनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते। इसके मैं चलिए इसको आप सिर से इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। इस तरह आपको वॉल्यूम रोकर
और पावर बटन मिलता है। काफ़ी ये भी मेटल के बने हुए हैं, पूरा फुल मेटल बॉडी है। ये 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, डुअल टोन डुअल LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्पीकर ग्रिल, बस यही है। ठीक है दोस्तों, अभी सब बॉक्सिंग पे ही ख़त्म करता हूँ मैं, जल्दी इसका अगला रिव्यू आपके लिए लेने के लेके आने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।